क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निशा सरोज आई नजर डालता हूं आज के कुछ खास खबरों पर। जबलपुर में लोकायुक्त की एक और बड़ी कार्रवाई, भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने एक और भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उद्यानिकी विभाग में संयुक्त संचालक के पद पर पदस्थ आरबी राजेदिया निजी नर्सरी में सप्लाई हुए पौधों के बिल का भुगतान करने के एवज में नर्सरी संचालक से 1,25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। इस रिश्वत के वश पर वह नर्सरी संचालक का पेंडिंग बिल जो 25,00,000 का था उसको पास करने के एवज में यह रिश्वत की मांग की गई थी। पीड़ित ने रिश्वत की मांग की शिकायत को लेकर लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई, जहां जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप लगाकर 1,00,000 की रिश्वत के साथ संयुक्त संचालक राजोरिया को उसके घर से गिरफ्तार किया। बहरहाल अब लोकायुक्त राजोरिया द्वारा पास किए गए सभी बिलों की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जबलपुर के एक नर्सरी संचालक हैं जो पौध की नर्सरी लगाई हुई और सरकारी सप्लाई करते हैं। इनके द्वारा परसों एक रिपोर्ट की गई थी लोकायुक्त SP श्री विश्वकर्मा साहब के समक्ष कि संयुक्त संचालक उद्यानिकी विभाग जबलपुर संभाग पुराने बिल जो 25,00,000 इनके पेंडिंग हैं उनको निकालने के एवज में 1,25,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसकी आज तस्दीक की गई और श्री RV राजोदिया संयुक्त संचालक उद्यानिकी जबलपुर संभाग को उनके निवास स्थान आधारताल में 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। धारा 7 का और अन्य धाराओं के तहत विस्तृत। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।